अगर इंस्टाग्राम रील्स पे अगर आपको भी गिफ्ट का ऑप्शन मिल गया है तो कैसे इसको इनेबल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा सेटअप गिफ्ट ऑन रील्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गिफ्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अर्न मनी व्हेन यू रिसीव गिफ्ट ऑन रील, तो अगर आपको कोई पैसा देता है गिफ्ट के तौर पर तो आपको इसमें पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है ऑप्शन गेट स्टार्ट पे, तो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी नाम होगा, लीगल नेम होगा, जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो भी नाम होगा उसको यहाँ पे फर्स्ट नेम फिर नीचे लास्ट नेम भरना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल लेना है, कंट्री चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कंट्री चूज कर लेना है, पहले से आपका कंट्री आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा किस टाइप का आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल है तो मैं सबसे पहले वाला भी इंडिविजुअल वाला चूज कर लूंगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आप जैसे फिर क्लिक करेंगे फिर से आपका वो पेज आ जाएगा जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन लिखा होगा। तो यहाँ पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती होगा तो उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको प्राइमरी एड्रेस यानी कि जो भी आपका एड्रेस होगा जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे नीचे फिल कर लेना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा जैसे कि आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा, और प्राइमरी एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस होगा, जो भी आपका सिटी होगा, जो भी स्टेट होगा, और आपका जो भी जिप कोड होगा यानी कि आपका जो भी पोस्टल होगा यानी कि पोस्ट ऑफिस वाला जो भी आपका पोस्टल कोड होगा वो आपको डाल लेना है, फ़ोन नंबर डाल लेना है और ईमेल एड्रेस आपको नीचे फिल कर लेना है। ये सारे चीज़ आप जब फिल कर लेंगे इसके बाद आपका जो भी पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, तो पैन कार्ड नंबर भी आपको नीचे यहाँ पे पैन की जगह पे आपको भर देना है। तो इसको भरने के बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा VAT GST रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसका ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आप देख सकते हैं अंडर पेनल्टीज यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, तो आप मैनुअली लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेपाल यूज़ करते हैं तो उसको भी लिंक कर सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग पेपाल यूज़ नहीं करते हैं, इंटरनेशनल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप मैनुअली लिंक कर सकते हैं अकाउंट, तो आपका जो भी बैंक नेम होगा, अकाउंट होल्डर होगा, स्विफ्ट कोड जो होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे आप डाल लेंगे और लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये जो मेथड है बैंक अकाउंट ऐड करने का इसको ऐड लेटर भी कर सकते हैं, ऐड लेटर से बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अभी अपना लिंक नहीं किया है, लेकिन आप लिंक कर सकते हैं। अगर आप ऐड लेटर करते हैं तो उसको आप बाद में ऐड कर सकते हैं, जब आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे दोबारा जाएंगे तो वहाँ पे फिर से लिख कर आएगा लिंक पे आउट मेथड, तो वहाँ से आप जाके फिर से लिंक कर सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी अर्न मनी होगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था, इस तरीके से आप अपना गिफ्ट इनेबल कर सकते हैं। और आपके रील्स पे देखते होंगे वहाँ पे गिफ्ट का ऑप्शन आ जाता है, जो भी लोग आपके रील्स देखेंगे ऊपर ही आपको गिफ्ट का ऑप्शन कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लोग क्लिक करके आपको 10 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये जितना उनकी इच्छा होगी आपको सेंड कर सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कैसे आप गिफ्ट इनेबल कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम रील्स पे। काफ़ी सारे लोगों को ये मिल चुका है, अगर आपको नहीं मिला है तो थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं, रेगुलर आप रील्स पोस्ट करते रहिए, आपको भी ये गिफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।